So hey friends, this is Alpha Motorcyclist and I welcome you all into another beautiful day. So aaj mere saath kaun hai? So Superman again with me. Aur hum kitne time baad mil rahe, bahut time baad mil rahe. Kahan gaye rehte tu yaar? Yaar PUBG mein busy rehta hu. यार PUBG ने ना पूरा लिटरली दिमाग खराब कर रखा है, इसीलिए मैंने कुछ इसको इंस्टॉल नहीं किया है। मैं फोन को दूर पटकता हूँ और मैं अपना राइड वाइड अपना जो भी काम करना होता है उसको वो करता हूँ। सो मुद्दे की बात आज क्या है? मुद्दे की बात है आज हम टेस्ट ड्राइव करने वाला है इंटरसेप्टर का। मुझे तो GT टेस्ट ड्राइव करना था लेकिन अवेलेबल नहीं है अभी, तो लेट्स सी। सो अभी मैं इंटरसेप्टर राइड कर रहा हूँ GTM इन केस आई थिंक हमें अवेलेबल नहीं है, बट पहली बार आई वुड बी राइडिंग अ पैरेलल ट्विन टैटू फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड और आई एम वेरी एक्साइटेड। सो राइट नाउ वेयर आई एम, लेट मी शो यू। सो आई एम एट द रॉयल एनफील्ड कोटला। सो वहाँ पर अभी अपन टेस्ट ड्राइव करेंगे और हमारी बाइक्स कहाँ पर हैं? हमारी बाइक्स ये और वो। सो गाइस दीज आर दी बाइक्स, यहाँ पर पुराना मॉडल्स पड़े हुए हैं और मेरे जस्ट पीछे GT कॉन्टिनेंटल मॉडल पड़ा हुआ। कौन है भाई? सो इसका एक बार एग्जॉस्ट सुनते हैं। कूल यार। So guys, this is really sounding very, very amazing. So I'm literally can't wait to put my hands on the Interceptor. So I'm more of Interceptor kind of thing. तो मैं Interceptor ज़्यादा पसंद prefer कर रहा हूँ, but ऐसी नहीं है, GT भी बहुत अच्छी है, but बोलते हैं ना preference. So then see you at the Interceptor. So finally we are get going to the bike. So this is the mighty Royal Enfield Interceptor 650cc, पहली बार। So finally I'm onto it. So let's crank it up. आवाज़ तो बहुत अच्छा आ रहा है। सो लेट्स ओ बहुत ही बटर स्मूथ यार। ओ माय गॉड, टॉर्क बहुत जबरदस्त है इसका यार। अभी तो बहुत ट्रैफिक है तो इसकी पावर का और इसका टॉर्क का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसका जो वेट है, क्योंकि मैंने KTM से इंटरसेप्टर पे ट्रांजिशन किया है सो पहले अपरेंट थिंग थी जो वेट था काफ़ी मेरे को फील हुआ स्टार्टिंग में, बट अभी जैसे मैं थोड़ा सा चला रहा हूँ तो आई एम नॉट फीलिंग दैट ऑफ वेट। सो अभी ठीक लग रहा है, बट हाँ जो पहला मेजर फैक्टर था वेट था, जो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी देता है इसको, बट इट्स ओके गुड। हाँ हाँ हाँ, पैरेलल ट्विन की पहली जो आवाज़ है, वाह। फर्स्ट गियर में इतना टॉर्क है, मुझको लगता है कि चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ सेकंड गियर है नाम ओवर 80 यार, सीरियसली। ओ माय गॉड गाइस, मुझे इसका थ्रॉटल ओपन करते हुए बहुत सारा डर लग रहा है। सारी जो टॉर्क है वो एज सून एज 4000 RPM के पहले मिल रही है, सो आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा आगे गियर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। गाइस रही बात स्टांस की, तो ये बिल्कुल अपराइट से थोड़ा सा नीचे, बट काइंड ऑफ मोर ऑफ अपराइट है, वेरी गुड। और पावर और टॉर्क फिगर्स तो ज़बरदस्त ही, मेरे को चलाते ही पता चल गया कि बहुत ज़्यादा पावर फिगर्स हैं अगर मैं अपने KTM से कंपेयर करूँगा, इवन दो कोई कंपैरिजन नहीं है, बट इट्स मोर देन एनफ बिकॉज सिंस आई एम राइडिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कोई 650 cc बाइक, वो भी पैरेलल ट्विन, एंड वाइब्रेशन के नाम पे सीरियसली अगर मैं बात करूँ
तो वाइब्रेशन के नाम पे इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। KTM में बहुत वाइब्रेशन है, मैं अपनी अगर जीरोस की बात करूँ तो उसके मुकाबले तो मुझे सीरियसली मतलब यार हाथ में भी फील नहीं हो रहा यार। कुछ फील हुआ आनंद? नहीं नहीं कुछ भी फील नहीं हुआ यार। शिफ्टिंग इज एज स्मूथ एज बटर और पहली गियर में आप इतना आगे निकल जाते हो कि आपको कुछ पता नहीं चलता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत पावर है, बहुत पावर है। एंड सीरियसली गाइस रही बात वेट की, वेट का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। एज आई एम मूविंग, एज आई एम ऑन द मूव, इनिशियली पता चलता है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कि जो उसका जो पीछे वाला ब्रेक है, थोड़ा सा उसका जो फुट पैक जो ब्रेक पोजीशन है, ब्रेक लीवर थोड़ा सा आ गया तो, बट ठीक है वो गेटिंग एडजस्टेड वाली बात है तो, बट ठीक है मेरे मुँह से ठीक है बहुत निकल रहा है क्योंकि मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इसको। ओह माय गॉड, आई एम ऑन द थर्ड गियर एंड आई एम ऑलरेडी क्लोज टू 100। गाइज रही बात सीट हाइट की, ये कंफर्टेबल है। आई एम क्लोज टू 5.6 और मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं लग रहा है इस बाइक को हैंडल करते हुए या फिर हाँ ऑब्वियसली फुट प्लांट कम्प्लीटली नहीं हो रहे हैं बट दैट इज़ नॉट डिटरिंग मी टू राइड दिस बाइक। मेरे लिए को अच्छा लग रहा है इस बाइक को, कॉन्फिडेंस के साथ आई कैन राइड इट। सो गाइज अभी इसकी करते थोड़ी सी ब्रेकिंग टेस्ट। I'm at 80. पूरा जैम कर दिया मैंने ब्रेक्स को, पूरी ब्रेक्स जाम है और ABS बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। So guys, I hope मैं मस्ती में और एक्साइटमेंट में कुछ चीजें मिस ना कर गया हूँ। गियर बॉक्स के बारे में मैंने बता दिया था और क्लच बहुत ही स्मूथ है, बहुत हैवी नहीं है, अच्छा है, ठीक ठाक है। KTM जैसा मेरे को फील हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। और हीटिंग इशू मुझे इतना एविडेंट नहीं हुआ और हमने अभी अच्छा खासा हमने इसको रेव किया है और अभी चला रहे हैं। सो हीटिंग इशू भी मुझे एज सच नहीं लग रहा है बट लेट्स सी इन प्रैक्टिकल रोड कंडीशंस। आई एम ऑल्सो इवन काइंड ऑफ लैकिंग द हॉर्न। बहुत मज़ा है इसमें तो, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइज फाइनली आई एम डन विद द इंटरसेप्टर 650 राइडिंग। सो मैं आगे बताऊंगा कि मेरा इन डेप्थ इसका कैसा एक्सपीरियंस है बट इन द मीन वाइल आई एम हेयर विद द ओनर ऑफ दिस रॉयल एनफील्ड शोरूम एंड ही इज अभिनव, राइट? सो अभिनव थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू। सो वुड यू लाइक टू से समथिंग टू द ऑडियंस अबाउट दिस 650 इंटरसेप्टर? Firstly, since I'm not really a professional rider, I mean my opinion won't really matter much, but I've taken it out to ride for a couple of times and I loved it. And personally, it's like more than riders, I mean even the first timers who are willing to try on the twin cylinder, it's not really, you know, that much of a leap from let's say a 500cc. Yeah, completely. So it's very easy since I don't ride much, but it was very easy for me to take it on the highway as well. It's like, I mean, the torque availability even at lower RPMs, plus, you know, the whole agility, the whole how it handles on the curves, I loved it personally. And the rumble, I mean, that is something that is that is kind of inherent to the Royal Enfield. Sure. Kind of just Abhinav ne bola ki 650 is not that intimidating cc to be actually to consider. So thoda sa ha weight factor lagta hai kyunki main agar main apni KTM ki baat karu to KTM is like pocket rocket bolte hain jiska weight zyada kuch nahi hota hai, lekin initially mere ko thoda sa uska weight laga but the moment you are on the go it's as good as or maybe even better than KTM. Matlab don't quote me on that, it's my personal experience but it's as good as or maybe a little tad better than it. So thank you so much Abhinav. So Anand bolo bhai. Okay yaar mast hai yaar, mujhe bahut acha laga, mujhe khub baga yaar, mujhe to bagane bahut maza aata hai.
इसलिए मुझे दो चीज़ बहुत अच्छा लगा कि एक तो इतना भारी भारी है, लेकिन जब बैठने के टाइम इतना हल्का लग रहा है, मुझे लगा था मैं चला नहीं पाऊँगा इतना भारी मशीन है, लेकिन जिसे चलाना चल गया बहुत ही हल्का पाएगी। पावर है भाई, पावर बहुत है, बहुत ज़्यादा पावर है, सीरियसली बहुत ज़्यादा पावर। सो गाइस दैट्स ऑल आई नो कि मेरा शायद ये इतना टेक्निकल रिव्यू नहीं था, बट द थिंग इज दैट कि मैंने जो चीज़ें प्रेजेंट करने की कोशिश करी हैं दैट वाज फ्रॉम KTM गाय राइडिंग दी रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम एंड हिज पर्सनल ओपिनियन अबाउट दी पावर टॉक और जो स्विंग था उसका वो सारा का सारा। एंड गाइस नो डाउट आई एम लिटरली मेसमराइज्ड बाय दी पावर एंड द टॉक एंड दी हैंडलिंग ऑफ दी बाइक। So guys, I'm literally bowled by the presence of Interceptor 650. I liked it. And अभी मैं इसके जो flaws हैं या कोई भी इसको इतना जल्दी नहीं बता सकता because the machine still hasn't been put in the long run. And I hope कि ये आगे जाके अच्छा प्रेजेंस फील कराए जो उसका पहले इंप्रेशन रहा है। So guys, this was the ultimate raw edition of a KTM guy riding the Interceptor 650 for the very first time. His riding experience and छोटी मोटी इधर उधर की बातें। So guys, if you like the video of the raw experience of mine, then don't forget to give it a thumbs up. And if you still haven't subscribed to my channel, then I please urge you to subscribe it. My channel name is Alpha Motorcyclist. In the end, I would just like to say, dream high, ride hard, but ride safe. फिलहाल तो मैं फंस गया उन गाड़ियों के पीछे।